इतनी बुलाट तो हम इतनी बुलाट तो 100 बना देंगे। ये देखो काना क्या बोला, हम अपने ब्लॉग को 100 बनाएंगे। 100 क्या होता है? 100 मतलब 100। 100 ओके, चलो इसकी ही बात रखते हैं। तो सच्ची धाम जय बाबा की। ये है कैची धाम मंदिर। दोस्तों अभी हम कैची धाम पहुँच गए हैं, जहाँ बाबा नीम करौली का बहुत बड़ा आश्रम है। इस आश्रम की आस्था दूर दूर तक फैल रखी है, भारत से नहीं विदेशों से भी लोग यहाँ आते रहते हैं। दोस्तों एप्पल कंपनी के पूर्व सीईओ स्टीव जॉब्स की भी कैची धाम में बड़ी आस्था थी, यहाँ तक कि मार्क जुकरबर्ग की भी कैची धाम में बड़ी आस्था थी। तो अभी हमको आगे जाना है, कैची धाम के दर्शन तो हमने पहले भी कर लिए हैं, तो अभी बापू को हम जोर से ही प्रणाम करते हैं और निकलते हैं अपने आगे के सफर के लिए। जय बाबा नीम करौली महाराज की जय। जाम पहाड़ों, गर्मियों से छुटकारा पाने के लिए पहाड़ जाते हुए लोग। ये कितना लंबा जाम लगा है देख लो भैया, देख लो कितना लंबा जाम लगा है। गर्मियों में सबके सब पहाड़ भगते हैं, कितना लंबा जाम। भैया दबा लेना इसके अंदर,
आपकी स्कूटी तो निकल जाएगी हैं? निकल जाएगी, निकल नहीं यहाँ से तो निकल जाएगी आगे, वो सही कह रहे हैं आगे फंसी पड़ी है। जाम जाम जाम। रानीखेत कितना दूर हो गया यहाँ से? वहाँ से कितना है? मतलब 1.5 घंटा और। जंगलों में लगी है आग, नीचे बह रही है नदी फर्स्ट क्लास। आगे तो और जाम है,
पत्थर गिरा, निकलो यहाँ से। देखो जाम, बाइक थी इसलिए निकल गए। दो किलोमीटर लंबा जाम। ये आ गए दोस्तों गर्म पानी की मार्केट। ये देखो चीड़ का मोर, यहाँ से ठंडा पानी निकलता है। ये मेडिकल की दुकान कहाँ पे है? हमारे मेडिकल की ये खेना में।
इधर मेडिकल की दुकान कहाँ होगी? मेडिकल की दुकान भैया, मेडिकल की दुकान कहाँ होगी? धन्यवाद भैया। खैर ना, ये मेडिकल की दुकान, मेडिकल किधर नहीं?
सीधे अल्मोड़ा और हमें जाना है रामपुर, हम चलेंगे लेफ्ट की ओर। कल का ब्लॉग तो हम शूट कर लिया था, मगर रानीखेत के बाद इतने अच्छे गजब की व्यू थे, मगर हम शूट नहीं कर पाए, कैमरा ऑन नहीं रखा, क्या हुआ वो ब्लॉग शूट ही नहीं हुआ। तो आज और रात को भी हम शूट नहीं कर सके, आए थक गए और बिस्तर में पड़ते ही नींद आ गई। तो आज नया दिन है, तो नई शुरुआत, नया ब्लॉग बनाएंगे। ये देखिए काना, सबके सब गांव आ चुके हैं, यहाँ घूमेंगे, कुछ ना कुछ नया करेंगे। और अपनी बुलाट तो हम बहामती बुलाट तो 100 बना देंगे। ये देखो काना क्या बोला, हम अपने ब्लॉग को 100 बनाएंगे। 100 क्या होता है? 100 मतलब 100। 100 ओके, चलो इसकी बात रखते हैं। तो शुरुआत करेंगे आज नए ब्लॉग की।